नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं वैशाली। उन्नाव के निराला प्रेक्षा गृह में पुलिस की पाठशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव द्वारा समस्त थाना अध्यक्षों, चौकी प्रभारियों, उप निरीक्षकों सहित लगभग 500 पुलिस कर्मियों को संबोधित कर अपने भीतर सेवा भाव जगाने की अपील की गई। महोदय द्वारा अपने वक्तव्य में सभी पुलिसजनों से नागरिकों के साथ शिष्ट, सभ्य, मृदु और कानून सम्मत व्यवहार करने की बात की गई। पुलिसकर्मियों को अपनी दैनिक कार्यवाहियों में थाने पर, सड़क यातायात के दौरान, गश्त, पैदल भ्रमण, मेला उत्सव, गिरफ्तारी या तलाशी जैसे अवसरों पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस बात को विस्तृत रूप से समझाने के लिए महोदय द्वारा पावर पॉइंट प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया गया। अपने व्याख्यान में पुलिस के शासक नहीं वरन सेवक होने की बात हमेशा दिल और दिमाग में बैठाकर रखने की हिदायत भी दी गई। परिस्थितियों के विपरीत होने की दशा में भी संयम और सदाचार का दामन थामे रखने से न सिर्फ नागरिकों का सहयोग मिलता है, बल्कि कृतकार्यों के लिए स्वीकार्यता भी प्राप्त होती है। जेंडर सेंसिटिविटी के संदर्भ में बरती जाने वाली एहतियातों पर भी प्रकाश डाला गया। पुलिस सेवाओं की गुणवत्ता को बनाए रखने और उन्नयन के निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया गया। पुलिस के लिए आचार संहिता के 13 बिंदुओं का पाठन करवाया गया। व्याख्यान में उल्लिखित बिंदुओं का पालन करवाने के लिए सभागार में उपस्थित सभी पुलिसजनों से शपथ पंजिका पर हस्ताक्षर भी करवाए गए। अंत में प्रत्येक रविवार को समस्त थानों द्वारा ग्राम जन चौपाल के आयोजन और सवेरा योजना के अंतर्गत पंजीकरण और एम पासपोर्ट ऐप के प्रयोग को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बताया गया कि आज का व्याख्यान पूर्व पुलिस महानिदेशक श्री सुलखान सिंह द्वारा पुलिस विज्ञान पर दिए गए वक्तव्यों के सारांश पर आधारित था, जिसे एक बुकलेट में संग्रहित कर समस्त आगंतुकों को वितरित करवाया गया है। प्राइम न्यूज 24 के लिए उन्नाव से अनिल प्रजापति की रिपोर्ट। देखिए, आज लगभग 500 पुलिसकर्मी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और टोटल हमारी स्टैंड लगभग 2000 की है। तो ऐसे हम लोगों ने 4 प्रोग्राम हमें टोटल करेंगे। ये आज पहला है जिसमें 500 पुलिसकर्मी हर थानों से चुन के आए हैं। तो अगले संडे को हम लोग फिर रखेंगे, इसी तरह से पूरा सारे पुलिसकर्मियों को हम लोग ये कवर कराएंगे। और इसके लिए हम लोगों ने पैम्पलेट भी बनवाए हैं, जिसमें कि जो आज सारे जो हम लोग जो वक्तव्य हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं, उसको हम लोगों ने एक पैम्पलेट फॉर्म में भी बनवाया है, जो कि सबको बंटवा रहे हैं। और ये जो पैम्पलेट है, ये पूरी तरह से जो आदरणीय जो रिटायर्ड DGP सर हैं, श्री सुल्तान सिंह सर हैं, उन्होंने एक बुकलेट बनवाई थी, बुकलेट हम लोगों को दी थी, जो कि था जिसकी पुलिस विज्ञान वक्तव्यों का सारांश, ये उसी से लिया गया है। सारे वक्तव्य हैं, उन्होंने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से हर चीज़ों को संकलित किया था। तो उनकी जो बुकलेट उन्होंने जो बनवाई थी आदरणीय श्री सुलखान सिंह सर, जो कि DGP सेवानिवृत्त हैं, तो उनके वक्तव्यों के सारांश से हम लोगों ने ये सारी इन्फॉर्मेशन लिए और इसको हम लोगों ने बुकलेट फॉर्म में बनाया है और सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमने इसका 2000 पैम्पलेट छपवाया है ताकि हर पुलिसकर्मी को ये हम लोग बंटवा सकें। सर, क्या लगता है इस पाठशाला के बाद कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा? कोशिश तो यही है हम लोग, इसीलिए इन सारे बिंदुओं को, जिसपे कि कभी कभी पुलिस की शिकायत भी होती है, इसी को हम लोग फोकस कर रहे हैं। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इससे जो हमारा पुलिस का जो व्यवहार है आम जनता से, वो भी सुधरेगा और हम पूरे प्रोफेशनल वे में हम जो पुलिस की जो सेवाएं हैं वो हम लोग जनता को दे पाएंगे।